झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सल और असामाजिक तत्व से भयमुक्त शांति व्यवस्था के साथ चुनाव करने को लेकर जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रशासन की बड़ी बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में बंगाल और ओडिशा राज्य के DIG, SP और DSP रैंक के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि राज्य के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें कोल्हान के कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं जो ओडिशा और बंगाल से सटे हैं, और जहां चुनाव के माहौल में राज्य के सीमा पार से नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आज एक अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन के लिए एक बैठक यहां पर आयोजित की गई थी, और इसमें हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जो जिले सीमा पर पड़ते हैं उनके SPs यहां पर आए थे, और सभी के साथ में मिलकर एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि कैसे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्वक आगामी विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराए। इसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं जहाँ पर समन्वय की आवश्यकता थी और जिस पे स्ट्रेटेजाइज किया गया है। पहला है कि नक्सलियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, कैसे उनको चोट पहुँचाई जाए, किस प्रकार से उनके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जाए ताकि किसी प्रकार की विध्वंसक कार्रवाई उनके द्वारा इस चुनाव में नहीं की जा सके, तो उसके लिए रणनीतियाँ बनी हैं और दोनों तरफ के SPs इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत सघन अभियान और अन्य जो रणनीति है उसको अमली जामा पहनाएंगे। दूसरा है कि बहुत सारे चीज़ें हम लोग देखते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र का फ़ायदा उठाकर असामाजिक तत्व खलल डालने का प्रयास करते हैं, विध्वंस करने का प्रयास करते हैं, तो उनको भी चिन्हित करके उनकी लिस्ट शेयर की गई है। वो रडार पे रहेंगे अक्रॉस द स्टेट भी और इधर भी कि किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि या अनैतिक गतिविधि वो नहीं कर पाए। वहीं सीमावर्ती राज्य के आला अधिकारियों से मीटिंग कर रणनीति बनाई गई है कि कैसे असामाजिक तत्व जो सीमा पार से आकर चुनाव में उपद्रव मचाते हैं और नक्सली भी सीमा पार से आकर अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं उन पर नकेल कसते हुए उनको किस तरह रोका जाए। बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए पूरी साझेदारी के साथ काम करने का निर्णय लिया गया। पंजाब केसरी TV के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।